सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के जीवन में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। नए नए आइडिया के साथ वह बाज़ार में ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं महिलाओं के आय का भी एक बड़ा साधन बन रहा है। कुछ इसी तरह का नज़ारा मेरठ के गांव दत्तावली में भी देखने को मिल रहा है, जहां उन्नति महिला समूह डोरी के माध्यम से कई आकर्षक सामान बनाकर समर्थ भारत के सपने को साकार कर रही हैं। महिलाओं द्वारा बनाए गए आकर्षक सामानों में लड्डू गोपाल का पालना इन दिनों लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। महिलाएं बताती हैं कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के प्रति आस्था के कारण भक्त लड्डू गोपाल के लिए बने पालने को खूब पसंद कर रहे हैं। ऐसे में उनकी डिमांड बढ़ने से महिलाओं की आय बढ़ रही है और वे आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। महिलाओं के उत्पादों को बाजार मिले और वह लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन द्वारा समय समय पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से जहां स्थानीय उत्पादों को एक नया बाजार मिल रहा है, वहीं स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के लिए नए नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। सही अर्थों में यही लोकल उत्पाद और रोजगार ग्रामोदय के स्वप्न को साकार करते हुए समर्थ और सशक्त भारत के निर्माण को गति दे रहे हैं।